हेलो गाइस, आज हम ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को इस इंडिकेटर के साथ इंटरफेस करना देखेंगे और हम ये देखेंगे कि इसके 420 आउटपुट से हम कैसे यहाँ पे टेम्परेचर रीडिंग शो कर सकते हैं। इसका पहले मैं आपको कनेक्शन डायग्राम बता देता हूँ जो इस इंडिकेटर के ऊपर भी बना हुआ है। इसका मॉडल नंबर है PIC 152A VI। ये 230 वोल्ट ऑपरेटेड है। इसमें 1920 नंबर टर्मिनल पर लाइन और न्यूट्रल देने का है और जो आपको मिली एम्पियर वाला आउटपुट है वो कनेक्ट करना है 4 नंबर पे और 21 नंबर पे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से जो डीसी वायर के दो वायर जो आए हुए हैं, ये डीसी पावर सप्लाई है, ये यहाँ पे डीसी वायर में कनेक्टेड है, यहाँ पे 24 वोल्ट वाला है। तो ये जो ब्लैक रेड और ब्लैक वायर आया है, इसको रेड वाले को मैंने इसके पॉजिटिव पर कनेक्ट किया है। ये हमारे कनेक्शंस हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने पॉजिटिव को प्लस में दिया है और जो नेगेटिव वायर है वो मैंने सीरीज़ बना दिया है इसमें इंडिकेटर में। तो टर्मिनल नंबर 4 पे एक वायर कनेक्ट किया और 21 से जो वायर आया है वो मैंने इसके नेगेटिव सप्लाई पे दे दिया है। अब मैं इंडिकेटर और ट्रांसमीटर का सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर मैंने सेटिंग कर रखी है, करेंट की सेटिंग बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इसको और हीट दूंगा तो ये आपको टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। ये आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं गन से टेम्परेचर हीट दे रहा हूँ उसको, तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी टाइप से काम करता है। थैंक यू।